हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हमारा 30 डे चैलेंज है उसका सेकंड डे है। तो कल हमने ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस, लगभग सभी लाइंस हमने ड्रॉ की थी। तो आज आपने उसको इजीली कैसे ड्रॉ करना है, उसके लिए आपने पहले कुछ पॉइंट्स लगा लेने हैं, तो फिर लाइंस को उसको साथ मिलाना है। ये बिगनर्स के लिए है, तो आपने ऐसे 3 डॉट लगा लेनी है। आप 2 डॉट लगा सकते हो, तो उसके बाद आपने उसको लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है। इसी तरह आप स्टैंडिंग लाइन में करेंगे, तो स्टैंडिंग लाइन में भी आपने उसको ज्वाइंट करते रहना है। इससे आपको लाइन बनाने में काफ़ी इजी होगा। तो ये शुरू में करना है, उसके बाद नहीं। ऐसे ही ये जो हमने स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइंस ली है, इसको हम जब ये दोनों लाइंस को आपस में मिलाएंगे तो स्क्वायर शेप बन जाएगी। तो उसके लिए हमने 4 डॉट्स लिए हैं, तो उसको हम स्क्वायर शेप में ऐसे, ये देखिए, अब ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्क्वायर शेप हमारे पास रेडी हो गया। दो लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो एक शेप क्रिएट होती है। लाइंस जब भी आपस में मिलती हैं तो एक शेप क्रिएट होती है। जो ट्रायंगल के लिए हमने सबसे पहले स्लांटिंग लाइन लेनी है, ऐसे ही 3 पॉइंट्स लगा लेने हैं अपने, तो ये हमारा ट्रायंगल रेडी हो जाएगा। आपने शुरू में ये, आप इन पॉइंट्स की हेल्प ले सकते हो ताकि आपको लाइंस ड्रॉ करने में बिल्कुल ईजी हो जाए। इसके बाद आप सर्कल के लिए भी ऐसे ही पॉइंट्स लगा सकते हो। पहले ये आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करने हैं ताकि आपका हाथ लेफ्ट साइड चले, उसके बाद राइट साइड पे चलाना है इसको। जब ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपने फिर इसको कुछ पॉइंट्स लगा सकते हो। अगर तो आप फ्रीडम के साथ बिना पॉइंट्स के ड्रॉ करोगे तो वो भी अच्छा है, नहीं तो शुरू में आप कोई 4 पॉइंट्स लगा लो और उसको आपस में ज्वाइन करो। इसके बाद फ्रीक्वेंटली आपने ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। सर्कल को आप जितना बार बार ड्रॉ करोगे तो आपका सर्कल उतना ही एक्यूरेट होगा। अब बिना रुके एक ही एंगल में पेंसिल को घुमाना है आपने। तो शुरू में थोड़े बहुत टेढ़े सर्कल आएंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्रीक्वेंटली आपके जो सर्कल हैं वो एक्यूरेट हो जाएंगे। जब आप रेगुलरली इन प्रैक्टिसेस को करेंगे तो आपकी ड्राइंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी, पर प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बिना ये नहीं हो पाएगा। तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और बार बार पेंसिल को चलाना है। सारी जो भी जितनी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक शेप्स के बेस में, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली जब समझ में आ जाएगा तो उसको आपको उसमें एक शेप नज़र आएगी। तो ऐसी तरह हमने सिलेंड्रिकल शेप बनाई है। ये देखिए बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ टफ नहीं है। ऐसे ही सर्कल को लेके उसको डिवाइड कर सकते हो आप 2 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। सर्कल से बहुत सारी ड्राइंग्स बनती हैं। इसी तरह अपने सर्कल ड्रॉ करने हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ में कोई ना कोई शेप है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसमें सर्कल, सिलेंड्रिकल, ट्रायंगल, स्क्वायर, कोई भी किसी तरह की भी जिस एंगल में वो बना हो वो शेप आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन ये जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। तो ऐसे ही सर्कल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, ये सेकंड वाले सर्कल को हम जैसे ड्रॉ किया उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उनको हम ज्वाइन करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये फिर से हमारे पास वही शेप रेडी हो जाएगी। तो आपने इन शेप्स को बार बार प्रैक्टिस करना है, लाइंस को प्रैक्टिस करना है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी ड्राइंग में उतनी ही परफेक्शन आ जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। ये स्लांटिंग लाइन है, स्लांटिंग लाइन से ये से 2 लाइनें खींचो आप, तो इससे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे एक पेंसिल ड्रॉ कर रहे हैं,
तो दो स्लांटिंग लाइन ली और वो एक पॉइंट लिया और उसको आपस में मिला दिया, तो हमारी ये पेंसिल रेडी हो गई। हर तरह का ऑब्जेक्ट जो है वो शेप्स पे डिपेंड है, और लाइंस, जब मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो जहाँ पे लाइंस आपस में मिलती हैं तो एक शेप रेडी होती है। तो जैसे ही हमने कुछ स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन ली तो उसके साथ हमारा एक बॉक्स या क्यूब रेडी हो गया। तो ये बहुत ही इजी है ये ड्राइंग करना, इतना इसमें कुछ टफ वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये देखिए दो स्टैंडिंग लाइन लेनी है और इसको पहले सिलेंड्रिकल शेप में बना के उससे हमने एक छोटी सी एक बॉटल रेडी कर लेनी है। मैं सिर्फ ये बनाने का मेरा पर्पस यही है कि ये शेप्स पे डिपेंड है आपकी ड्राइंग, तो इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ये हमारा सेकंड डे का लेसन था, आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है और हो सके तो इसको कंटिन्यूसली करिए ताकि आपकी ड्राइंग में परफेक्शन आए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।